नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। विद्युत वितरण विभाग में विशेष पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। FNA विभाग में माह का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और धर्मोत्साह के साथ ईद उल फितर का पालन। अब समाचार विस्तार से। विद्युत वितरण विभाग में 13 जून को एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। उप महाप्रबंधक प्रभारी विद्युत वितरण श्री एम के भास्करन ने विद्युत वितरण विभाग के 3 वरिष्ठ तकनीशियन श्री ए के राउत, श्री एस दीक्षित और श्री ए के बारिक को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री भास्करन ने तीनों की जोखिम उठाने की प्रयासों, दृढ़ निष्ठा और प्रतिबद्धता की सराहना की एवं दूसरों को उनका अनुकरण करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों को समय पर निरीक्षण और सुरक्षित बिजली परिवर्तन कार्यवाही के लिए मान्यता प्रदान की गई। CRGO सब स्टेशन में जून के महीने में चल रहे ट्रांसफार्मर 1 ने रात की पारी में बुलडोजर आर्म विकसित किया था, जिसके कारण भार को ऑफ लोड स्थिति में ट्रांसफार्मर 2 पर स्विच किया जाना था। लोड चेंज ओवर को अत्यधिक सुरक्षा के साथ किया गया, जिसके बाद ट्रांसफार्मर 1 को आगे की जांच के लिए बंद कर दिया गया। इससे कंपनी को बड़ी ब्रेकडाउन और हानि से बचाया जा सका। कनिष्क प्रबंधक कार्मिक श्री संजीव बेहरा ने कार्यक्रम का संचालन किया। वित्त एवं लेखा विभाग में 14 जून को एक पुरस्कार आयोजित समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री एम के एल चांद ने कार्यक्रम का अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ टाइम कीपर श्री एस पाणिग्रही को मई माह के लिए माह का कर्मचारी पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं स्टाफ उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री चांद ने श्री पाणिग्रही की प्रतिबद्धता और समर्पण भावना की सराहना की और दूसरों को अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सहायक महाप्रबंधक FNA श्री पी विजयन ने कार्यक्रम का संचालन किया। राउरकेला शहर में धार्मिक रीति रिवाजों के साथ 16 जून 2018 को ईद उल फितर का पालन किया गया। इस अवसर पर सुबह सेक्टर 15 मैदान पर एक सामूहिक प्रार्थनाएं आयोजित की गई। शहर के विभिन्न ईदगाह में समारोह भी आयोजित किए गए। ईद उल फितर उपवास के समापन का समारोह है। यह इस्लाम धर्म के उपवास का पवित्र महीना रमजान के साथ समाप्त होता है। इसमें लोग अपने को परोपकारी कार्य, क्षमा एवं शांति बनाए रखने जैसे धार्मिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। यह एक महीने का सूर्योदय से सूर्यास्त तक रखे जाने वाला उपवास के समापन का समारोह है। यह इस्लामिक कैलेंडर में रमजान माह ईद का पहला दिन शब्बाल का पहला दिन है। इस अवसर पर अल्लाह से विनती की जाती है तथा खुले मैदान और बड़े स्थानों पर सामूहिक प्रार्थनाओं का आयोजन कर इन्हें स्मरण किया जाता है। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।